हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि काफी लंबे टाइम से रोमन रेंस के साथ क्या चल रहा है। पिछले काफी टाइम से रोमन रेंस को फैंस से काफी बू और नेगेटिव रिएक्शन मिल रहे हैं। WWE को इस बारे में कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं रोमन रेंस इसको फेस करते चले आ रहे हैं। अमेरिका के फैंस रोमन रेंस को पसंद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बावजूद उसके रोमन रेंस को WWE फेस बनाना चाहती है जॉन सीना और रॉक की तरह। बट फैंस को ये समझ आ गया है कि रोमन रेंस विंस मैकमैन गाइस हैं। WWE में रोमन रेंस की एक के बाद एक बुकिंग रोमन रेंस की इमेज को और खराब करती जा रही है और WWE ने उनको लेके रवैया भी कुछ और ही अपना रखा है। रोमन रेंस को मिलने वाली बू और हेट के पीछे WWE कुछ सोच रही है या नहीं, या उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी हाल ही की बात करूं तो WrestleMania 34 से लेके Backlash PPV तक एक महीने के अंदर रोमन रेंस ने 3 बार मेन इवेंट को हेडलाइन करा है और मेन इवेंट में मैच लड़ा है। अगर बात करूं Backlash PPV की तो उनका मैच समोआ जो के साथ था और ये एक नॉन टाइटल मैच था जो कि फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एरिना में से क्राउड उठ के चल दिया था। बैकलैश में रोमन रेंस एक नॉन टाइटल मैच में थे और बावजूद उसके WWE ने उन्हें मेन इवेंट मैच में डाल दिया। WWE की यही रोमन रेंस को लेके बुकिंग फैंस का गुस्सा कम करने की बजाय और बढ़ाती चली जा रही हैं। फैंस को लगता है कि रोमन रेंस के अलावा और भी WWE सुपरस्टार हैं जो मेन इवेंट के लायक हैं, पर WWE उन्हें यूज ही नहीं कर रहा। थंबनेल में आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है कि रोमन रेंस को तुरंत WWE से निकाल देना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा कहा है एक्स लेजेंड टैग टीम रेसलर बॉबी फुल्टन ने। वो एक शो में शामिल हुए और उनसे रोमन रेंस के साथ जो कुछ चल रहा है उसके बारे में पूछा गया। उन्होंने इस सवाल के आंसर में कहा कि अगर रोमन रेंस टेरिटरी इरा में होते, 1980 से पहले WWE में टेरिटरी इरा चलती थी, अगर उस टाइम उस वहां पे रेसलर होते तो कंपनी उन्हें कब का निकाल दिया होता। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि अगर रोमन रेंस उस दौर में रेसलिंग कर रहे होते तो कंपनी से बाहर कर दिए गए होते। अगर कंपनी ने उन्हें एक बेबी फेस के तौर पर काम दिया है और वो उस काम को सही से नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी में उनकी कोई जगह नहीं बनती है। फुल्टन ने बताया कि एक बार उन्होंने जेरी लॉयर से पूछा था कि जब भी मैं रिंग में जाता हूं तो लोग मुझे बू करने लगते हैं। जेरी ने कहा था कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है क्योंकि यहां तुम्हें बेबी फेस रेसलर के तौर पर साइन किया गया था। यही दिक्कत रोमन रेंस के साथ आ रही है, वो लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रोमन रेंस को अब हील बन जाना चाहिए। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि विंस मैकमैन उन्हें कंपनी में रखेंगे भी या नहीं। WWE फिलहाल रोमन रेंस के साथ जो करती आ रही है उसे एक ना एक दिन रोमन रेंस को हील बनना ही पड़ेगा, वरना रोमन रेंस को WWE से अलविदा कहना ही पड़ेगा। रोमन रेंस कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होने वाले हैं। रोमन रेंस को अभी हील बनाना चाहिए या फिर तुरंत कंपनी से निकाल देना चाहिए क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिल नहीं रहा है, बावजूद उसके WWE दूसरे रेसलर को भी चांस नहीं दे पा रही है। ये बात तो सही है कि रोमन रेंस को अब हील बन जाना चाहिए, शायद वहां उनकी हेट कम हो जाए। मुझे समझ ये नहीं आता है कि रोमन रेंस के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो इस पे WWE से बात करते भी हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें खुद WWE से कहना चाहिए इस बारे में। मुझे लगता है अगर आप किसी के फैन हैं तो आपको सही और गलत उसके लिए समझना चाहिए, सोचना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। आपको क्या लगता है इस बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।